हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्रॉप लॉगिंग, वाटर लॉडिंग और क्रॉप लॉडिंग के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो एंड में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें। देन लेक्चर को शुरू करते हैं। फर्स्टली मैंने आपको बताया था कि आज के लेक्चर में हम तीन टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। लास्ट आपकी जो तीन क्लासेस रही थी वो भी इसी पे रही थी कि ऐसी डेफिनेशंस जो हमारे एग्रीकल्चर में रहते हैं जिनमें हमें कंफ्यूजन रहता है, एक जैसे सेम टर्मिनोलॉजी, ठीक है, जिनमें क्या रहते हैं, कंफ्यूजिंग रहते हैं या फिर डाउट्स रहते हैं, तो उन्हीं पे आपकी पहले की तीन क्लासेस रही है और ये क्लास भी आपकी इसी पे है, ठीक है। तीनों टर्मिनोलॉजी एक जैसी है, इनमें कंफ्यूजन होता है कि किस में कौन सी प्रोसेस होती है, या फिर क्रॉप लॉगिंग किसे बोलते हैं, क्रॉप लोडिंग किसे बोला जाता है और वाटर लोडिंग किसे बोला जाता है। तो आज की क्लास में हम इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आई होप कि इस क्लास को देखने के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देन वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात करेंगे क्रॉप लॉगिंग के बारे में। जैसे कि ये गन्ने की फसल है, ठीक है, क्रॉप लॉगिंग, ये मैंने डायग्राम इसलिए डाला है ताकि आपको याद रहे, इमेज देखने से क्या रहता है, लॉन्ग टाइम तक याद रहता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो था ना, ये सुगर केन की क्रॉप में दिया गया था, इसीलिए मैंने इसका जो है डायग्राम मेंशन किया था, कौन से एरिया में, हवाई एरिया के अंदर एक जगह है, हवाई एरिया में ये कॉन्सेप्ट जो है दिया गया था और कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, HF सेलिमेंट्स जो है उनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था, ठीक है। क्रॉप लॉगिंग का जो कॉन्सेप्ट है HF सेलिमेंट्स के द्वारा दिया गया था हवाई एरियाज में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉप लॉगिंग होता क्या है। क्रॉप लॉगिंग का क्या मीन्स है, कोई भी फसल है, मान लो ये आपका फील्ड है, जैसे कि ऊपर डायग्राम में भी मेंशन किया गया, ये फसल है, इस फसल को जब हम फील्ड के अंदर ग्रो करते हैं तो जब हम इसे हार्वेस्ट करते हैं, यानी कि इसकी सोविंग से लेके इसकी बुवाई से लेके इसकी कटाई तक, हार्वेस्टिंग तक, उसके टाइम पीरियड में इसको न्यूट्रेंट्स भी चाहिए होते हैं, पानी की रिक्वायरमेंट भी रहती है, अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो इसे प्रोडक्शन करने के लिए टोटल जिन चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है उस टाइम पीरियड में उसे वो चीजें कितनी मिल पाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ये क्रॉप लॉगिंग के में ही आती है। इसके लिए ग्राफ है जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले ये जो मैंने लिखा है ये इसलिए ताकि आप पीडीएफ में पढ़ोगे लेक्चर होने के बाद तो भी आपको याद रहेगा, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, जितनी भी क्लासेस हो चुकी है इस चैनल पे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। देन सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो मेथड है क्रॉप लॉगिंग का, इसमें सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन के लिए हम कह सकते हैं इसे प्लांट एनालिसिस फॉर असेसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन जो करते हैं उसके लिए जितनी रिक्वायरमेंट की जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और असेसिंग क्रॉप डैमेज, ठीक है, क्रॉप जो होती है, फसल को जो हानि होती है या फिर हम हिंदी में बोलते हैं क्षति जो होती है उसका, ठीक है, यानी कि कोई न्यूट्रेंट उससे रिक्वायर है, यानी कि उसे चाहिए, कोई न्यूट्रेंट चाहिए, पानी चाहिए, और वो उसे उस स्टेज पे नहीं मिल पाता, क्रिटिकल स्टेज पे उसे नहीं मिल पाता, तो उससे क्या होता है, हमें यील्ड में लॉस देखने को मिलता है। ये सब चीजें, इसकी असेसिंग करना और टेस्टिंग सुटेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स, हर एक सुटेबल जो फर्टिलाइजर होता है वो हर एक क्रॉप के लिए सुटेबल नहीं होता, उसकी सुटेबिलिटी का टेस्ट करना, ठीक है, कौन सी फसल के लिए कौन सा न्यूट्रेंट, यानी कि उसे कौन सा न्यूट्रेंट रिक्वायर्ड है। मान लो किसी फसल में जिंक की नीड है, जिंक की कमी है, और आप डाल रहे हो वहां पे नाइट्रोजन, तो वहां पे जिंक की कमी नाइट्रोजन पूरी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपको एक ग्राफ दिखा देती हूँ जिससे आपको याद रहेगा, जैसे कि ये है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक साइड है रिलेटिव वॉटर कंटेंट, वन सेकेंड, और नीचे की तरफ जो मेंशन किया गया है ये क्या है, डेज आफ्टर प्लांटिंग, यानी कि जब हमने प्लांटिंग कर दी, सुगर कैन की बात करेंगे, ये कॉन्सेप्ट जो है ये सुगर कैन में दिया गया था। तो सुगर कैन की हमने क्या है, मेन फील्ड के अंदर प्लांटिंग कर दी, उसके बाद डेज आफ्टर प्लांटिंग और रिलेटिव वाटर कंटेंट, ये वाला जो है ये क्या है, रिलेटिव वाटर कंटेंट, हमने मेन फील्ड में क्या है, ट्रांसप्लांट कर दिया था गन्ने को, उसके 50 दिन बाद ये बोल रहा है कि आपका वाटर कंटेंट कितना रहता है, वाटर कंटेंट रहता है 84.8
9%, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें 100 डेज के बाद में कितना रहता है, तो 85.37, ठीक है, यानी कि कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। तो ये जो है ये आपका क्या है, वोटर कंटेंट, यानी कि कभी कम होता है कभी ज्यादा होता रहता है। ये तो है नहीं कि हम एक बार ही इरीगेशन करेंगे उसके बाद में हम इरीगेशन नहीं करेंगे। इरीगेशन रेगुलरली देनी होगी जब उसे क्रिटिकल स्टेज पे पानी की रिक्वायरमेंट होगी। और क्रॉप लॉगिंग जो होता है ना, ये ओनली इसके लिए ही नहीं है, वाटर के लिए, ये न्यूट्रेंट्स के लिए भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन भी आ सकता है, मैग्नीशियम भी आ सकता है, फॉस्फोरस भी आ सकता है, कोई भी न्यूट्रेंट्स भी रह सकता है। यानी कि फसल को हमने ग्रो किया, मान लो ये हमारा फील्ड है, इसमें हमने गन्ने को ग्रो किया, गन्ने को ग्रो करने के बाद में हमने शुरू में जब गन्ने को ग्रो किया था तब नाइट्रोजन की मात्रा कितनी थी, उसके बाद ये नाइट्रोजन, ये जितने कोई भी न्यूट्रेंट है, नाइट्रोजन अकेला नहीं, फॉस्फोरस है चाहे मैग्नीशियम है, कोई भी न्यूट्रेंट है, तो इसे क्या होगी, रिक्वायरमेंट तो होगी ना अपनी ग्रोथ के लिए। ये क्या करेगा, जमीन से क्या होगा, न्यूट्रेंट्स को लेगा, तो कभी उसकी मात्रा जो है ज्यादा होगी और कभी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप लॉगिंग बोला जाता है, यानी कि एनालिसिस किया जाता है कि कब कितनी परसेंटेज रहती है, इस चीज को क्रॉप लॉगिंग बोला जाता है। मेनली आपको इंपॉर्टेंट रहता है कि किस साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी, कहां दी गई थी और कौन सी क्रॉप में दी गई थी। डेफिनेशन आपको खुद से याद रहेगी, डेफिनेशन का इतना नहीं पूछा जाता, ये आप जब बीएससी में रहते हो तो आपका डेफिनेशन का इतना रहता है। ऑब्जेक्टिव जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन रहते हैं उनमें इससे रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन बनेगा तो आपके साइंटिस्ट के नाम से और कहां पे दी गई, कौन सी क्रॉप में दी गई, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें। देन नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉप लोडिंग के, ठीक है। तो क्रॉप लोडिंग का क्या मीन है, द फेलिंग डाउन ऑफ क्रॉप ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही है उसकी वजह से क्या होता है, जो फसल है वो क्या होता है, गिर जाती है, फॉल हो जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है, क्रॉप लोडिंग, ठीक है। तो ये देखो जैसे कि ये सीरियल है, कौन सी फसल है, वीट की है, गेहूं की फसल, तेज हवाओं की वजह से, तेज विंड की वजह से क्या है, ये पूरी गिर चुकी है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, क्रॉप लोडिंग बोला जाता है। ये टू टाइप्स की रहती है, क्रॉप लोडिंग भी कितने टाइप्स की रहती है, टू टाइप्स की रहती है। एक तो आपकी रहती है रूट लोडिंग और सेकंड रहती है स्टेम लोडिंग। रूट लोडिंग में तो क्या होता है, जैसे कि ये देखो मेज में है, ठीक है, रूट्स जो होती है वो क्या होती है, झुक जाती है या फिर एक साइड से पूरी तरह से ऊपर की ओर हो जाती है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे ना स्टीम की, तो ये देखो पूरा तना जो है वो एक साइड में झुक चुका है, यानी कि पूरी तरह से लोडिंग हो चुका है। ओके, टू टाइप्स थे, कौन सा था, स्टेम लोडिंग और रूट लोडिंग। और नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिवेंटेड बाय ट्रेंच प्लांटिंग, अर्थिंग अप, रेपिंग एंड प्रॉपिंग, यानी कि इन्हें हम रोक कैसे सकते हैं। अब जब ऐसा कुछ होगा जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, तो इससे क्या होगा, हमें नुकसान होगा फसल का बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब जैसे कि इस टाइप से फसल अगर हमारी गिर चुकी है तो जो प्रोडक्शन होगा, अब इसे हम इजीली, ऐसा तो है नहीं कि जब ये पूरी तरह से पक जाएगी तो हम इसे इजीली निकाल पाएंगे, नहीं, इससे जो हमें ग्रेन मिलेगा उसे भी निकालने में क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि हम हाथ से एक एक प्लांट को क्या करेंगे, खड़ा कर पाएंगे, ऐसा भी नहीं हो पाता। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि बड़ी फसलें होती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मेज हुआ, गन्ना हुआ, इनमें बहुत ज्यादा लॉस होता है, एक बार अगर ये गिर जाएंगी तो फिर क्या होगा, इनकी रूट्स वीक हो जाएंगी, फिर से वो प्लांट जो है वो वैसा नहीं हो पाएगा। तो अर्थिंग अप क्या होता है, मैंने डायग्राम के लिए आपके चार प्रोसेस बताई थी ना, इसमें से दो के डायग्राम मेंशन किए। अर्थिंग अप में क्या रहता है, ये देखो जैसे कि ये हमारा बनाना का प्लांट है, एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, तो इसके पास में जो होता है मिट्टी चढ़ा दी जाती है, ठीक है, सोयल जो होती है वो इसके पास में बिल्कुल रूट के पास में सपोर्ट देने के लिए इसको चढ़ा दी जाती है इसके बिल्कुल पास में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे अर्थिंग अप बोला जाता है इस प्रोसेस को। प्रोपिंग क्या रहता है, मेनली गन्ने के अंदर की जाती है, जैसे कि देखो 10-12 प्लांट गन्ने के एक साथ लेंगे और इनको क्या करेंगे, यहां से इनको इनकी बॉन्डिंग कर दी जाती है, बांध दिया जाता है इनको, ठीक है, इन्हीं के पत्तों से बांधा जाता है, अलग से रस्सी वगैरह से नहीं, इन्हीं के जो पत्ते रहते हैं, इन्हीं की जो लीफ रहती है उससे क्या है, उनको राउंड करके और इनको क्या किया जाता है, टाइटली बांध दिया जाता है, जिससे क्या होगा, तेज हवाएं चलेंगी तो ये क्या होंगे, गिरेंगे नहीं। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर लोडिंग की। तो वाटर लोडिंग क्या होता है, द फॉलिंग डाउन ऑफ क्रॉप ड्यू टू फ्लडिंग, ठीक है, फ्लड होता है आपको पता है, बहुत ज्यादा पानी जो होता है वो फील्ड के अंदर यानी कि रह जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो क्रॉप्स होती है वो क्या होती है, गिर जाती है, क्रॉप्स गिर जाती है किसकी वजह से, वाटर की वजह से, तो उसे वाटर लोडिंग बोला जाता है।
ये देखो इस फील्ड के अंदर पानी हद से ज्यादा है, क्रॉप जो है बिल्कुल मतलब खत्म सी हो जाती है। इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन जो हमारा यील्ड रहती है एंड में जो हमें यील्ड मिलती है उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। दैट ओकर वेन सेचुरेशन ऑफ बोथ मैक्रो एंड माइक्रो पोर्स। और इसमें क्या होता है, जो एक बात बताओ, फील्ड जो रहता है आपका उसमें बहुत ज्यादा पानी भर चुका है, ठीक है, तो मैक्रो और माइक्रो पोर्स होते हैं बिल्कुल आपके क्या होते हैं, पूरी तरह से वर्क करना बंद कर देते हैं, जिससे क्या होगा, जो एरिएशन की प्रोसेस होती है वो भी सही ढंग से नहीं हो पाती, तो आपकी फसल ग्रो कैसे होगी, आपको अच्छी यील्ड कैसे मिलेगी। तो ये सब नहीं होने की वजह से क्या होता है, जो आपकी फसल होती है वो पूरी तरह से फिनिश हो जाती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट लगे देन आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसी वीडियोस हेल्पफुल लगती है देन मुझे बताओ, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस लेके आऊँ, या फिर आपको कोई अदर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।